हम इतना खर्चा करके यहाँ पर आ रहे हैं, किसान 1,000 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आया है ये दिखाने के लिए आया कि तिरंगा ही हमारी शान है, वही आन बान शान के साथ में हम हैं, हम किसान हैं, हिंदुस्तान के तिरंगे में हमारा विश्वास है। तो ये कब बातचीत, अगली बातचीत कब होने जा रही है? अगली बात कर लेंगे उसमें मार्च अप्रैल में कर लेंगे। अप्रैल तक यही रहेंगे, अप्रैल तक रहेंगे हम, अगले साल तक रहेंगे। के अलावा भी कोई और प्लान है आपके पास? हाँ प्लान है, प्लान है भाई, दिल्ली के लोगों को हवाई सर्विस करनी पड़ेगी सरकार को, इकट्ठे ही चलेंगे ना, टैंक और ट्रैक्टर बराबर बराबर चलेगा, उसकी स्पीड का पता नहीं चल रहा अभी। आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, मतलब सबको जमीन ज्यादा चाह, लड़की देखने जाएगा तो बहु बड़ी चाहिए, कहना ना छोटी आयत की बड़ी आयत की, भाई गाड़ी कह लगे छोटी है गाड़ी बड़ी चाह, ट्रैक्टर छोटा है वो बड़ा चाह, आंदोलन नहीं क्यों छोटा चाह, आंदोलन बड़ा कर। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लेकिन अभी तक जो बातचीत हुई है उससे तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वापस करने वाले हैं वो लोग। और हमें क्या वापसी जान लग रहे? दादागिरी मत कर, मैं मोदी को चिट्ठी लिखता हूँ। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के अलग अलग राज्यों से किसानों से वार्तालाप की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और वो खुश है इस कानून से। वो तो भाई FM भी चले 24 घंटे चले, FM भी तो 24 घंटे चले, अपनी बात कहना किसी को दूसरे की सुननी नहीं। आगे की क्या रणनीति है? हम क्या कहीं जा रहे, दिल्ली इतनी बढ़िया जगह ऐसे छोड़ के जाएगा कोई? हमें तो पता ही अभी चला भाई, ये खेत में ही काम करेंगे क्या पूरा दिन? आ गए ये दिल्ली इतनी बढ़िया जगह, हमें तो पता ही नहीं था, अगर ये पहले पता चलता तो हम तो पहले आ जाते। हमारा मकसद दिल्ली में जो ये कहते हैं कि दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, इनकी हिम्मत है कि दिल्ली इनके बाप की है, किसी की दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, हम दिल्ली में घुसेगा, दिल्ली में किसान का ट्रैक्टर भी चलेगा और वो 10-10 साल पुराना ट्रैक्टर भी दिल्ली में चलेगा जिसको इन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है, वो है चलेगा दिल्ली की सड़कों पे, आप रोक कर दिखाओ दिल्ली की सड़कों पर चलेगा। चार इंच की जो पट्टी है गाँव में कहावत थी कि जब वो होता था ना तो लाठी घेर देते थे बीच में, यहाँ वहाँ कोई युद्ध का मैदान थोड़ा था, लाठी घेर दी कि ऐसा क्रॉस कर दें तो हम हार मान लेंगे, हमने क्रॉस कर दिया तो लाठी पे वो फांदने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा राकेश टिकैत के साथ तो मैं इस आंदोलन में अब हिस्सा नहीं लूंगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर वो 2 महीने मिट्टी मिट्टी वहाँ हलवा पूरी खा के और 1 दिन करेले का वो दे दिया करेले का गया। अच्छा लड़ाई के मैदान में छोड़ कर फिर भाग जा तो भगोड़ा हो। अच्छा 2 महीने जब मंच पे भाषण देते थे तो आंदोलन बहुत बढ़िया था, 1 दिन पुलिस ने कहा गया तो आंदोलन छोड़ दो तो उस दिन घर चले गए। आंदोलन नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोग जेल से डरते हैं, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सीज होने से डरते हैं। अच्छा दिल्ली वाले जाने पर तो बैरिगेटिंग नहीं है और नीचे पे जो रास्ता पुलिस ने दिया उस पर बैरिगेटिंग है, ये कौन सा षड्यंत्र था? उसका ये मेंटली जो स्तर है वो ठीक नहीं लग रहा। सरकार का ये स्तर ठीक नहीं है तो फिर बात बनेगी कैसे? क्या बात बना रहे हैं ना? नहीं ना, जितनी बार टिकैत साहब जेल में गए 350 बार, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जेल में गए तो उतनी तो वार्ता भी नहीं अभी हुई, वे 350 बार जेल गए तो भी तो उतनी वार्ता कहाँ हुई, 10 हुई अभी तो, 350 वार्ता होगी तो जब जाके कुछ समाधान निकलेगा। अर्नब क्या है, कहाँ है ये अर्नब, कहाँ रहे, इसे मिलवाओ जरूर तुम, कहाँ है किसान यूनियन? वो फोन उस पे ही मिले, टीवी पे वैसे नहीं मिलता। लंबा वक्त हो गया, कहाँ हुआ अभी जाता है, अभी तो ये 2 महीने की तो फसल हुई, कोई 2 महीने की फसल काटता है क्या? अच्छा हाँ तो फसल पूरी उग के कटेगी, पूरा उग के कटेगी, गन्ने की फसल कटेगी।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। बिजली यहाँ काट दी गई है, आज पानी भी सप्लाई बंद कर दी गई है। भाई पानी तो आदमी को जेल में भी मिलता है, ये कौन सी वो है? आप पानी जो जन सुविधा है आदमी का जो अधिकार है वो भोग है। सर जो FIR हुई है उनसे क्या कुछ किसानों पे कुछ दबाव है क्या? अच्छा FIR भी ना हो, आंदोलन भी होकर FIR भी ना हो, कौन सा गणित है? किसानी एजेंडे का सच आपको शुरुआत से जी न्यूज दिखा रहा था, देखिए अब फ्लैग मार्च हो रहा है। यूपी में आंदोलनकारियों पर सख्त एक्शन की तैयारी। जिस ताकत के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था उतना ही बेबस और उतना ही असमंजस में इस वक्त दिखाई दे रहा है। पुलिस ने क्या कोई अल्टीमेटम दिया राकेश टिकैत को? कौन है वो? ये उस शर्मनाक तांडव का साइड इफेक्ट है जिसे 26 जनवरी के पावन दिन किया गया। जनता का ऑर्डर, खाली करो हमारा बॉर्डर। अब लगता है कि वो अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। क्या सरकार अब इस आंदोलन पर हावी हो गई है? क्या किसान आंदोलन का तंबू उखड़ गया है? DJ Gayatri आप हमारे चरणों में आएंगे या हम अपने चरण लेकर आपके पास आ जाएं? प्लान क्या बताया करे भाई, प्लान है, बड़ा प्लान है। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।